अयोध्या के अंदर कल राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। भूमि पूजन का कार्यक्रम था कल, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए। निर्माण तो शुरू हो गया है दोस्तों राम मंदिर का। अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राम मंदिर के खिलाफ भी बोल रहे हैं, बाबरी मस्जिद के खिलाफ भी बोल रहे हैं, राम मंदिर के पक्ष में भी बोल रहे हैं, बाबरी मस्जिद के पक्ष में भी बोल रहे हैं। दोस्तों एक पक्षकार राम बाबरी मस्जिद का था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कहता था कि वो बाबरी मस्जिद गलत तोड़ी गई है और वो जो 5 एकड़ की जमीन है वो बाबरी मस्जिद की है, मुसलमानों की है। पर सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं मानी, राम मंदिर को दे दी वो जगह। राम मंदिर का निर्माण कल से शुरू हो गया है अयोध्या के अंदर। पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लड़ाई लड़ी बाबरी मस्जिद की, उन्होंने क्या प्रतिक्रियाएं रखी है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप भी मानते हैं कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने गलत सुनाया था, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या प्रतिक्रिया रखी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है, वो आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बाबरी मस्जिद थी और हमेशा एक मस्जिद ही रहेगी। शोफिया मस्जिद का जिक्र किया है उन्होंने। शोफिया मस्जिद यानी जो टर्की में कन्वर्ट की गई है, पहले वो चर्च थी, फिर म्यूजियम बनी, मस्जिद बनी, फिर म्यूजियम बन गई, अब वो तुर्की के राष्ट्रपति तैयब इर्दुगान ने उसको म्यूजियम की हटाकर उसे मस्जिद बना दी। उन्होंने जिक्र करा कि शोफिया हमारे लिए बेहतरीन उदाहरण है, एक अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टिकरण निर्णय द्वारा भूमि का पुनर्निर्माण इसे बदल नहीं सकता। दिल टूटने की जरूरत नहीं है, स्थिति हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती है। इस बयान के बाद लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यह जताने की कोशिश करी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर जाएगी तो फिर से बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो सकता है, क्या राम मंदिर का निर्माण रुक सकता है, क्या होगा ये, इसके क्या अलग अलग लोग सोच रहे हैं, इस बयान के अर्थ निकाल रहे हैं। चलिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेयर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।